माय चैनल पारस मित्र। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आपको एक ऐसा बटन मिलेगा, उस पर सब्सक्राइब पे क्लिक करिए और इस बेल पे क्लिक कर दीजिए। आइए शुरू कर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वन कंप्यूटर सिस्टम। आप देख सकते हैं इसमें कन्वर्जेंस, कंप्यूटर एंड अस, इसके मेन टॉपिक्स हैं चैप्टर वन कंप्यूटर एंड सिस्टम। लेट स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर एंड अस। ये इसमें ये कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इससे हमें समझाया जा रहा है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में कैसे करते हैं। जैसे ये एक बच्चा है जो ऑनलाइन गेमिंग यूज़ करता है। जी हाँ, ऑनलाइन गेमिंग यूज़ करता है। तो उसने बोला यप्पी मैं जीत गया हूँ। तो उसकी सिस्टर ने तो उसने बोला सिस्टर मैंने जो है यूसुफ को हरा दिया। तो ये बता रही है कि यूसुफ जो है वो एक बच्चा है जो सऊदी अरेबिया से उसके साथ खेलता है। दूसरे सीन में ये पापा एंड बेटे का सीन है। बेटा जो है, पापा जो है जेविन, वो उससे पूछ रहे हैं You did not move out of house today, wasn't the last day of pay fees? मतलब तुम घर से बाहर भी नहीं निकले, क्या आज पैसे पे करने का, स्कूल की फीस पे करने का लास्ट दिन था? तो वो बोल रहा है डैड आई हैव पेड द फीस ऑनलाइन, मैंने जो है फीस ऑनलाइन पे कर दी है। तो इस जो सेकंड वाला है उसमें ऑनलाइन पेमेंट का हमें शो किया गया है। इस थर्ड वाले में आप देख सकते हो इसमें जो है ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में दिया गया है। जैसे नीता एंड हर हस्बैंड रोशन जो था वो नीता के साथ शॉपिंग करने नहीं जा सकता था बिकॉज वो कहीं पे वर्क में बिजी था। तो उन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का यूज़ किया और शॉपिंग कर ली। और ये शिल्विया एंड हर ग्रैंड मदर, ये शिल्विया एंड हर ग्रैंड मदर की है। इसमें जो फोर्थ वाला सीन है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बोला गया है। और इस फिफ्थ वाले में ट्रॉनक एंड हिज डैड, इसमें जो है मीडिया शेयरिंग के बारे में बात की गई है। एंड सिक्स्थ जो है मिस्टर वेंकट एंड हिज बॉस, इसमें जो है ब्रॉडकास्टिंग की टेक्नोलॉजीज, मतलब आप घर बैठे बैठे ही, नॉट घर, ऑफिस में बैठे बैठे ही आप सबको इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब आप पूरा बात कर रहे हो। सो ये दिया गया है। नाउ हम लोग शुरू करते हैं अपना नया नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज। पहले मैं आपको बताऊंगा कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल, पहले हमारे फ़ोन्स कैसे लगते थे, इतने पुराने से, जिससे हम लोग सिर्फ कॉल कर पाते थे, है ना। और आज देखो हमारे मोबाइल कैसे हैं, इसे हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। आज हम अपने मोबाइल से इंटरनेट भी कर सकते हैं, कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो गेम्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को मैसेज भी कर सकते हैं, मगर हम पुराने फ़ोन्स में सिर्फ लैंडलाइन बात कर पाते थे। तो आप इसे इजी टर्म्स में बोल सकते हो द चेंज इन टेक्नोलॉजी इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप मॉडर्न के वीडियो गेम डेवलपर्स का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है। पहले जो मॉडर्न गेम डेवलपर्स थे वो जो कॉन्सोल्स बनाते थे, कॉन्सोल्स पता है आपको क्या होता है, कॉन्सोल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इसमें कॉन्सोल्स प्राइमली फॉर प्लेइंग, बट कॉन्सोल्स जो है एक एप्लीकेशन भी बोलते हैं हम कॉन्सोल्स को। मेनली दो टाइप के कॉन्सोल्स होते हैं। कॉन्सोल्स एक होता है, ये कॉन्सोल है, ठीक है। हम लोग कॉन्सोल्स को कॉन्सोल्स को हम लोग गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट कॉन्सोल्स हमको, हम लोग इसके अंदर की एप्लीकेशन को भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आए व्हाट इज कॉन्सोल इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यस, एप्लीकेशन, कॉन्सोल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो। आजकल के जो कॉन्सोल्स हैं वो कैसे लगते हैं और फ्यूचर में कैसे लगेंगे, द फ्यूचर ऑफ कॉन्सोल्स, जो फ्यूचर है कॉन्सोल्स का वो ऐसा होगा कि हम लोग उससे, इतना छोटा कॉन्सोल होगा और उससे हम लोग 3D गेमिंग भी खेल पाएंगे। 3D गेमिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको आपको जानना है 3D गेमिंग के बारे में तो मुझे कमेंट करके बताएं।
यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा आईसीटी। तो हम लोग आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी जो होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्नोलॉजी जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जा रही हो। जी हाँ, टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज इज नोन एज आईसीटी। फ्रेंड्स, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं टेक्नोलॉजीज़ के जो मेजरली कन्वर्ज किए गए हैं, जिसे हम लोगों ने टाइप्स में डिवाइड किया है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो होती है उसका मतलब है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मॉडर्न बनाना। आपको इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। फ्रेंड देखिए, पुराने ज़माने का कंप्यूटर है, एक पूरा रूम घेर लेता था इस कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए, और इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं होता था। उसके लिए आपको पूरी कोडिंग लैंग्वेज आनी होती थी, आप उसको टाइप करके इसको यूज़ कर पाते थे। तब इसका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उतना डेवलप नहीं था। और आज के कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल्स कितने एडवांस्ड हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें हम लोगों ने उनकी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई तो चेंज किया है बस। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं एटीएम मशीन को, क्योंकि पहले एटीएम मशीन्स कैसी होती थी और आज एटीएम मशीन्स में हम लोगों ने कितना उनका मॉडर्निफिकेशन किया है। इसको चार चीज़ों में डिवाइड किया गया था। पहली चीज़ तो मैंने आपको समझा दी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आप बोल सकते हो जितनी भी कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन चीज़ों में एडवांसमेंट की जाती है, जैसे पहले 2G था, 3G है, फिर 4G है, कुछ दिनों में 5G लॉन्च होने वाला है, तो वो सब एडवांसमेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है। आईसीटी मैंने आपको समझा दिया है, वही इसके अंदर है। और कंटेंट टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। कंटेंट टेक्नोलॉजी इसका मतलब कंटेंट में जितनी भी एडवांसमेंट की गई है, पहले के कंटेंट्स और आज के कंटेंट्स। फ्रेंड्स, पहले के ग्राफिक्स देखिए, ब्लैक एंड वाइट, कुछ नहीं था इनके अंदर, कैसे लोग अट्रैक्ट होते। बट आजकल के ग्राफिक्स देखिए आप। फ्रेंड्स देखिए, आजकल के ग्राफिक्स को देख के ऐसा लगता है कि ये फ़ोटो रियली ली गई हो, बट ये ग्राफिकली बनाई गई है। आजकल 3D टेक्नोलॉजी आ गई है, हम लोग लाइव TV देख सकते हैं। पहले क्या हम लोग देख सकते थे? नहीं, लाइव रियल टाइम ब्रॉडकास्टिंग होती है, क्रिकेट देख सकते हैं हम लोग रियल टाइम में। पहले रेडियो पे बातें होती थी, वो भी रिकॉर्डिंग की जाती थी। काफ़ी डिफरेंस हुआ है ना, इसी को तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। और देखिए, इसमें एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी का दिया गया स्मार्टफोन्स। मैंने बताया आपको अभी, आपको थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जैसे पहले इतने बड़े बड़े स्मार्टफोन्स होते थे, केबल्स होती थी, बट अब एक छोटा सा स्मार्टफोन है उसके अंदर सब कुछ है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये छोटा सा स्मार्टफोन है मेरे पास, इसके अंदर मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, कैमरा भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज़ का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये part 1 है चैप्टर इसका। मैं सेकंड जो पार्ट होगा वो मैं जल्दी लाऊंगा। और ये जो हमारे टॉपिक्स हैं, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शंस, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, और CPU द ब्रेन, और ये उसके बारे में है थोड़ा सा। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, जल्दी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैं इसका part 2 जल्दी लाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ लाइक माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़।